हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। ठीक है, क्या चल रहा था? देखिए, रैखिक तथा द्विघात समीकरण का पॉलिटेक्निक रैखिक तथा द्विघात समीकरण का PYQ चल रहा था। यही चल रहा था क्वेश्चन ना। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, इस टॉपिक का कुछ शेष बचा है, आज हम उसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्या है पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? कौन सा टॉपिक? रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ PYQ चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, देखिएगा क्या था, ये सब सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, कहां से ये भी होते हैं 13 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए कब आया है यूपी पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ है। कब आया है? 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 5y = 1 एवं 60/x - 20/y = 30 समीकरणों को हल करने पर x और y का मान क्या होगा? ठीक, क्या दिया है समीकरण देखिएगा, 2x + 5y = 1 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 60/x - 20/y = 30। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटा जाए समाप्त। ओके, इसमें y से स्क्वायर में करें कितना आ जाएगा, 2y + 5x / xy = 1। इसका इसमें कर दिया, इसका इसके नीचे नीचे का। ठीक है, सही कहा। ऐसे इसमें करें कितना आ जाएगा, 60y - 20x = 30। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करिए, एक्स वाई उधर कर दीजिए, बटा जाए समाप्त, डन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2y + 5x = xy। समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, ऐसे बार आगे करें कितना आ जाएगा, 60y - 20x = 13। समीकरण दो मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण एक और दो को हल कर लीजिए, आपका एक्स वाई का मान निकल आएगा। कैसे हल करेंगे, कोई भी वैल्यू बराबर करके काट दीजिए। ठीक, जैसे यहाँ 60y है, यहाँ 2y नहीं होगा, यहाँ 20x है, हो सकता है इस बार नहीं, 20 - 20x है या +5x, या इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद जोड़ घट कर जाएगा, कर देते हैं ना। समीकरण समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर चलिए कर दीजिए, कितना है, 4×4 8y + 4×5 20x = 4xy। ओके, और दूसरा समीकरण क्या है देखिए, 60y - 20x = 13xy। अब इन दोनों समीकरण हल कर दीजिए, ये देखिए प्लस या माइनस में से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दीजिए, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 60 और 8 कितना हो गया, 68y = 13×4 17xy कट गया। ठीक है, ताकि 17 इधर भाग दे देंगे, 68/17 = x, तो 17 × 17 = 4x, मान कितना आ गया, 4 आ गया। जब x मान 4 आ गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें 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 किसी में, चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखिएगा, यहाँ 2y है, 2y + 5 × x = 4y। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, 2y इधर आएगा तो -4y, 5×20 = 0।
फोर वाई टू आई सेपरेट इन कितना टू आई, तो टू आई उधर चला जाएगा मतलब 20 इक्वल टू टू आई, तब टू पंजा 10 मतलब y का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो y का मान 10, x मान 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा, x इक्वल टू 4 y बराबर 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, कोई भी समीकरण दिया रहे यदि आपका, आराम से सिंपल सॉल्व करिए, x y का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, कोई भी मेथड लगाइए आप, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे वज्र गुणनखंड लगाइए, चाहे गुणनखंड लगाइए, कोई भी आप x y मान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2015 में आया हुआ, कब आया है 2015 में आया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x²-3x+1=0 के मूल है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान होगा। मतलब क्या कह रहा है, आपका समीकरण दिया है 2x²-3x+1=0, और मूल भी क्या दिया है, मूल अल्फा व बीटा। ठीक, अल्फा व बीटा जब मूल दिया है तो मूलों का योगफल निकाल ही सकते हैं, निकालिएगा मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही तो होता है ना। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, यहाँ कितना है -3, मतलब -3/a, एक मान कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा मान क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा मान 3/2 -+। ओके, मूलों का योगफल निकल आया, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, क्या होता है c/a। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c का मान क्या है, एक मान होता है, ये d का मान होता है, ये c का मान होता है। ओके, चलिए, तो c का मान कितना है 1, तो 1/2, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब पूछ का रहा उसका हम देखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ रहा है क्या, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर फार्मूला आप जानते ही है ना, चलिए याद करा देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3α/β कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3α/β कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, 3/2 का होल क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2, 1/2 गुणती अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। ठीक, यह आपके बराबर है, इसको हम यही रहने देंगे। चलिए, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 × 9=27, 8 × 2 = 2, 4 × 2 = 8 माइनस ए प्लस तक इधर आएगा पूरा माइनस हो जाएगा, 3 × 9 2 × 2 = 4 इसके बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, चलिए 8 एलसीएम में लेते हैं, यहाँ छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा हम इसे छोटा कर देते हैं, यूजुअल है आप सभी को। चलिए, इसे आप क्या करते हैं, देखिए ये 8 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 27, 4 × 2 = 8 ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा 9 × 2 = 18 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, 27 में 18 कितना आ गया, अरे 27 में 18 = 9
ओके बटे आठ इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यह आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 9 बाई 8 ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पर मिलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है चले चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इसे हम जूम कर देते हैं, ठीक है देख लीजिए एक बार। समीकरण y पावर 2 अपॉन 3 माइनस 2 y पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू 15 का हल होगा, कब आया है? यूपी पॉलिटेक्निक 2015 में आया हुआ है, ठीक है कब आया है? 2015 में आया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया है, y पावर 2 अपॉन 3 ठीक है माइनस 2y 1 अपॉन 3 इक्वल टू 15 ठीक है। चलिए इसे क्या करेंगे y पावर 1 अपॉन 3 पावर 1 2 क्यों? क्योंकि यदि होल स्क्वायर रहता है और उसका अंदर कोई चीज रहता है पावर, तो पावर में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, ठीक है तो 2 इसमें गुणा हो जाएगा, इसलिए हम इस कर दिए माइनस 2 y पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू 15 ठीक है। y पावर 1 अपॉन 3 y पावर 1 अपॉन 3 है ना, हम इसे मान लेंगे, सिंपल हो जाएगा सर ना, क्योंकि माना क्या y पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू या मान लो ठीक है। तो वैल्यू हम यहां पुट अप कर देते हैं, देखिएगा वैल्यू हम पुट अप करेंगे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर ठीक माइनस 2m इक्वल टू 15 इतना आ गया। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0, तो घटाने पर इसे गुणा करने पर 5 और घटाने पर 2 क्या 5 + 15 = 5 ये 2 आ जाएगा। यहां लिख सकते हैं 5m² + 5m + 3m - 15 = 0। चलिए तो एक m इसमें कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 5 कॉमन, मतलब क्या होता है भाग, कोई संख्या ले रहे हैं तो उसमें उतने से भाग दिया रहा दिया जा रहा है ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा m प्लस 3 ठीक है m प्लस 3, अगला क्वेश्चन बनेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0, तो m प्लस 3 इक्वल टू 0 तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर माइनस 3 ठीक है, m का मान माइनस 3 आ गया। अब रखते हैं m बराबर माइनस 5 इक्वल टू 0 m बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो यह कमान समीकरण हम इसमें रख देते हैं जो माने थे ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं क्या है y पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या रख देते हैं यह कमान 3 रख देते हैं ठीक है 3 माइनस 3, अब क्या क्यूब कैसे हटेगा 1/3 यदि हम 3 से इसमें घात में गुणा कर दें तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तीन का मतलब गुणा करने का मतलब दोनों तरफ घन मूल लेने पर ठीक है, घन करने पर ठीक घन करने पर तो देखिए y पावर 1/3 गुणते 3 हो जाएगा ठीक पावर में, उसी प्रकार माइनस 3 तो पावर 3 हो जाएगा, 3 कट गया y पावर 3 पावर 3 मतलब 3 × 3 27 घात विषम है इसलिए माइनस लग गया, तो y का मान -27 ठीक। अब इसी प्रकार y का मान m का मान क्या रख दे 5 रख दे, चलिए क्या है y पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 ठीक। अब क्या कर दे फिर घन कर दे ठीक है अगेन क्यूब कर ले पर, चलिए कर देते इसे तो 1 अपॉन 3 ठीक है गुणते 3 इक्वल टू 5 पावर 3
घर दोनों तरफ क्या कर दिए, घन करने पर, ठीक है। तो थ्री से थ्री कट गया तो वाई आ गया, पांच से तीन मतलब पचम पच्चीस, पच्चीस पंचे 125, वाह कितना आ गया 125, मतलब y का मान एक मान आया 125 और सेकंड आया -27, तो कौन सा आपका सही है 125 -27, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल अब लगाते हैं, ओके समझ आया, आया क्या क्यों नहीं, ओ क्या है, देखिए सवाल 16 नंबर, द्विघात समीकरण m x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओके इक्वल टू 0 के मान 2 या -1/2 में से किसी एक के लिए m का मान होगा, मतलब सीधा क्या कह रहा है, देखिए m x स्क्वायर प्लस 3x ठीक है प्लस 2 इक्वल टू 0 में x का मान 2 या 3 दे दिया गया है, x इक्वल टू 2 कामा -1/2 में से किसी एक के लिए m का मान, इतना सिंपल सवाल दे देता है वो पॉलिटेक्निक में 2015 में, यहां का x का मान कोई भी चाहे 2 रख लीजिए चाहे 1/2 रख लीजिए, इसमें समीकरण फर्स्ट में तो आपका m का मान निकल आएगा। चलिए x बराबर हम क्या रख देते हैं, 2 रखने पर, ठीक है रखने पर रख देते हैं हम, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 ओके प्लस 2 इक्वल टू 0, या 2 का 4 मतलब 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 इक्वल टू 0 ओके, ये कितना 4 यम, 4 6 2 8 इक्वल टू 0, तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा -8/4, ये प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया, ये गुणा था तो उधर गया डिवाइड हो गया, ठीक है, अब 4 2 8 तो यम का मान क्या आ गया -2, तो कौन सा आपका सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओके कितना सिंपल सवाल दे देता है बताओ।